ये चुनावी मौसम है और साथ ही ये मौसम नेताओं की जुबान फिसलने का भी है। नेता रोजाना ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो शायद वो खुद उसे सुनकर शर्मिंदगी महसूस करें। यूपी के लोकसभा चुनाव में अली और बजरंगबली पर भी राजनीतिक घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान के बाद अब मायावती भी इस विवाद में कूद पड़ी हैं। उधर चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में सीएम योगी ने अपनी सफाई दे दी है। अपने जवाब में सीएम योगी ने कहा कि उनकी गलत मंशा नहीं थी और अब वो अपने बयानों में सतर्कता बरतेंगे। मायावती ने रामनवमी पर दिए अपने संदेश में कहा, रामनवमी की देश और प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं तथा उनके जीवन में सुख और शांति की कुदरत से प्रार्थना। ऐसे समय में जब लोग श्री राम के आदर्शों का स्मरण कर रहे हैं, तब चुनावी स्वार्थ हेतु बजरंग बली और अली का विवाद टकराव पैदा करने वाली सत्ताधारी ताकतों से सावधान रहना है। मायावती का इशारा योगी आदित्यनाथ के बयान की ओर था। आपको ये भी बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। योगी ने कहा था, अगर कांग्रेस एसपी बीएसपी को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। और उनके इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सफाई पेश कर दी है। सीएम ने कहा कि वो आयोग के बयान को लेकर आपत्ति और दिए नोटिस के आधार पर विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में सावधानी बरतेंगे और ऐसे बयानों से बचेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि योगी के जवाब के बाद चुनाव आयोग यूपी के सीएम पर क्या कार्रवाई करता है। इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।